हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग जानेंगे कि दांत निकलवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब दांत निकल जाता है तब तो डेंटिस्ट आपको कुछ एडवाइस देते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, लेकिन दांत निकलवाने से पहले बहुत सारे लोग हैं वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं और वो ये सोच के जाते हैं उनके कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कभी पहले बहुत टाइम पहले डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया होगा तब जाके वो उस समय बात सोचते हैं कि चलो डेंटिस्ट के पास जाना और टूथ रिमूव करवाना है, तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं। तो जाने से पहले आप ये वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब जानते हैं कि दांत निकलवाने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें। तो अगर आप दांत निकलवाने के बारे में सोच रहे हो, डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, तो उससे पहले सबसे पहला जो पॉइंट है ध्यान रखने का वो है कि अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक को नहीं करना है 24 आवर्स तक पहले। सबसे पहला पॉइंट है ड्रिंक नहीं करना है, यानी कि अगर आप ड्रिंक करते हो तो 24 घंटे तक दांत निकलवाने से पहले 24 आवर तक आपको ड्रिंक नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो जब टीथ रिमूव किया जाता है उस टाइम क्या होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस एनेस्थीसिया का असर नहीं आता जिसकी वजह से टूथ रिमूव करते वक्त आपके पेन हो सकता है। और अगर आपने ड्रिंक किया है, 2 दिन पहले किया है या 1 दिन पहले किया है, तो आप अपने डेंटिस्ट को ज़रूर बताइए कि आपने ऐसा किया, तो वो उसका कुछ ऑल्टरनेट निकाल देंगे ताकि आपके कोई पेन ना हो। दूसरा, अगर आप हार्ट पेशेंट हो और आप जैसे खून पतला करने की मेडिसिन आती है या आपने कोई सर्जरी करवाई है और आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो उस एक तो आपको जब जाओगे तब आपको डॉक्टर को बताना है। दूसरा, हो सकता है कि 2 या 3 दिन आपका जो डॉक्टर है वो आपको वो मेडिसिन लेने से स्किप करने के लिए बोले, और साथ ही जिस डॉक्टर का आपका इलाज चल रहा है, यानी कि किसी हार्ट स्पेशलिस्ट का अगर आपके इलाज चल रहा है कार्डियोलॉजिस्ट का, तो उससे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मैं ये टूथ रिमूव करवाने का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो उसके बाद आप उसको डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही टूथ रिमूव करवाने जाइए, उनके सलाह के बाद। और इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, यानी कि आप इंसुलिन ले रहे हो या फिर आप मेडिसिन ले रहे हो डायबिटीज़ की, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी मेडिसिन को स्किप नहीं करना है। साथ ही डायबिटीज़ पहले घर पे टेस्ट करना है कि आपकी नॉर्मल है, बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही आप टूथ रिमूव करवाने जा सकते हो। अगर आप बीपी के पेशेंट हो, यानी कि आपकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 140 से अबव रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। आपको पहले अपनी बीपी को कंट्रोल करना है। अगर आप बीपी की मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन लेके कंट्रोल कीजिए, नहीं थोड़ा रेस्ट करके एकदम आराम से अगर आप कंट्रोल कर सको, नॉर्मल हो जाए बीपी, तब जाके आप डेंटिस्ट के पास जाके अपना टूथ रिमूव करवाएं। अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिल रहा है और आपकी बीपी 140 के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके टूथ रिमूव करवा सकते हो। वैसे भी डेंटिस्ट अगर आपको दांत निकलवाना है तो बीपी वो पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही टूथ रिमूव करते हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हो, लेडीज़ हो, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसी कंडीशन में आपको दांत निकलवाने से पहले अपने गायनो से कंसल्ट करना है। दूसरा, क्या मेडिसिंस ले रहे हो, एक्सरे नहीं करवाना है आपको दांत निकलवाने से पहले, अगर बहुत इमरजेंसी है तो ही टूथ रिमूव करवाना है, वरना अवॉइड करना है। तो इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ से डर है, मान लो बहुत बार ऐसे होता है कि सीरिंज दे के डर लग जाता है, डॉक्टर के नाम से फोबिया होता है एक चीज़ का, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हैं वो सिनकोप में चले जाते हैं। सिनकोप का मतलब होता है इंजेक्शन वगैरह दे के वो बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई साथ में होएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप इजीली इस चीज़ से हैंडल कर सकोगे। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि मैं ये चीज़ के मेडिसिन ले रहा हूँ। और अगर आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ अलग बीमारियां होती है, अगर कोई भी इलाज चल रहा है किसी भी चीज़ का, तो आप अपनी रिपोर्ट साथ में लेके जाइए ताकि डॉक्टर है वो आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले इस चीज़ को देख ले और क्या मेडिसिन देनी है क्या नहीं देनी इसका ध्यान रखें।
एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज़ से एलर्जेटिक हो तो एलर्जी के बारे में आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है। कभी कभी जो हम एनेस्थीसिया देते हैं उससे आपको एलर्जी हो सकती है, या कोई मेडिसिन जैसी दे दे जिससे आपको एलर्जी हो जाए। तो अगर आप किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो तो वो चीज़ आप अपने डॉक्टर को मेंशन कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाओ टूथ रिमूव करवाने के लिए, तो अच्छे से खाना खा के जाइए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि निकालने के बाद क्या होता है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से सुन्न होता है, तो आपको बहुत टाइम तक खाना खाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से पेट भर के ब्रेकफास्ट करके जाना है, से खाना खा के जाइए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है आपको टूथ रिमूव करवाने से पहले। तो ये तो था कि दांत निकलवाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अब जानते हैं कि दांत निकलवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखें। वैसे तो आप डेंटिस्ट को दिखाएंगे और वो जब आपकी ट्रीटमेंट करेगा, टूथ रिमूव करेगा, तो वो कुछ आपको ज़रूर प्रिकॉशंस बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपने मिस कर दिया हो तो ये भी जान लीजिए आप, जब जब डॉक्टर आपका टूथ रिमूव करता है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगा के उस एरिया को सुन्न कर दिया जाता है, जिसका असर कम से कम 5 से 6 घंटे तक रहता है। तो इस दरमियान आपको कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं खानी है, कोई भी चीज़ नहीं खानी है, और ज़्यादा बोलना भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, वहाँ का एरिया नम होता है तो जीभ कटने या गाल कटने का डर रहता है। इसके अलावा जब टूथ रिमूव किया जाता है तो जो घाव वाली जगह होती है वहाँ पे आपके कॉटन का बोल वहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे क्लोट बन जाए। तो आपको कम से कम 1 ओवर तक उस क्लोट को उस जो कॉटन का जो रोल है उसको वहाँ से हटाना नहीं है, दबा के रखना होता है। 1 घंटे के बाद आप इसको हटा सकते हो। साथ ही आपको कुछ भी थूकना नहीं है, बाहर कुछ भी स्पिट नहीं करना है, अंदर ही निगलना है। पूरे दिन आप जिस दिन आप टूथ रिमूव करवाते हो पूरे दिन आपको अंदर ही निगलना है, बाहर स्पिट नहीं करना। इससे आपका क्लोट नहीं, अगर आपने बाहर स्पिट कर दिया तो आपके क्लोट नहीं बनेगा, जिससे आपके ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। साथ ही आपको उस दिन लिक्विड डाइट लेनी है, लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, दलिया थुली ये सब ले सकते हो। आपको गर्म चाय नहीं पीनी, गर्म दूध नहीं पीनी, गर्म कॉफ़ी यानी गर्म कुछ भी नहीं लेना है, आपको सिर्फ ठंडी चीज़ें ही खानी है। और आपको अगर चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आप एकदम ठंडी करके पी सकते हो। बाकी आपको जूस पीना है, आइसक्रीम खानी है, ताकि आइसक्रीम खाओगे तो क्लोट जल्दी बनेगा, तो आप एक आइसक्रीम खा सकते हो, जूस पी सकते हो, साथ ही लिक्विड डाइट लेनी है, और वो भी एकदम ठंडी करके। दूसरे दिन आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही जो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसको आपको फॉलो करना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी लगता है, आपके ब्लीडिंग दूसरे दिन भी अगर हो रही है तो आपको डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर आपके ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।